दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर शहरी का एहतमाम है और दावत शहरी जारी है। द फैक्ट एनजीओ के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद है मजहर खान, आइए हम उनसे बात करते हैं कि ये कब से ये सिलसिला जारी है और ये इसका मकसद क्या है इस शहरी की दावत रखने का, आइए हम उनसे बात करते हैं। मजहर भाई ये बताइए कि जो आप लोगों ने यहाँ दावत रखी है शहरी की और दावत शहरी है ये, तो इसका मकसद क्या है? सबसे पहले मैं सबको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और ये रमज़ान का मुबारक महीना है और द फैक्ट एनजीओ की टीम हम लोग सब मिलकर ये शहरी का इंतजाम करते हैं। ये हर साल होता है, ये करीबन हम लोग 10 साल से कर रहे हैं शहरी का ही। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद ये होता है कि आम दावत रखते हैं, इसमें कोई भी आ सकता है और आजू बाजू के सोशल वर्कर नेता सब मिलते हैं, गेट टुगेदर हो जाता है ऐसा। या आम लोग भी आके जो जिनका शहरी का कोई इंतजाम नहीं होता वो भी आके यहाँ पर शहरी करते हैं? ये आम लोग के लिए ही रखा गया है, द फैक्ट एनजीओ की टीम की तरफ से हर साल रखा जाता है और आम लोग के लिए रखा गया है और बाकी दोस्त यार सोशल वर्कर नौजवानों की टीम जमा होती है आपस में, प्यार मोहब्बत इत्तेफाक बढ़ता है इससे और कौमी जात की भी मिसाल नजर आती है। यस यस करेक्ट। और कौन कौन लोग आपके साथ में जो जुड़े हुए हैं सारे साथी? ये हमारी पूरी टीम है, हमारे साथ में हमारे भाई है और सैयद गुलाम करके एडवाइजर है, सैयद हुसैन करके वाइस प्रेसिडेंट है, रहीम बड़ू करके जॉइंट ट्रेजर है और धीरज माने करके है सेक्रेटरी है ऐसा है और लाल मोहम्मद भाई है ऐसे। हम लोग यंग मिस्टर ये हम लोग ने द फैक्ट एनजीओ रजिस्टर किया है और इसके थ्रू हम लोग सब काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, बाकी लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने की, आपकी जो जिम्मेदार है टीम के आप हमारी उनसे बात कराइए। हाँ कराइए। चलिए आप क्या कह रहे थे दावत शहरी को? दावत का प्रोग्राम जो अभी हो रहा है और शुरू है माशाल्लाह द फैक्ट एनजीओ की और प्रेसिडेंट ऑफ स्टेट मिनिस्टर। लॉकडाउन में भी मतलब हम लोग ने बहुत काम किए, राशन किट बांटना, लोगों को दो टाइम खाना खिलाना, फिर जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, डॉक्टर के पास ले जाना, तो टीम पूरी जोश के साथ काम करती है। हर साल शहरी का प्रोग्राम होता है, इफ्तार का भी प्रोग्राम रखते हैं लोग, तो बहुत मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर तरीके से होता है, कोई किसी को दिक्कत नहीं। आम दावत है, सब आते हैं शिरकत करते हैं, सब माशाल्लाह सबकी दुआई ले रहे हैं, दुआई ले रही है। हर तरह की खुदमत अंजाम देते रहे आ रही है कोरोना और कोविड के काल से लेकर अब तक। ये शहरी में कितने लोग आते हैं यहाँ शहरी करते हुए? 400-500 लोग आते हैं यहाँ पे हर साल होती है अलहमदुल्ला। जो भी कभी भी कोई भी सामाजिक काम आ जाता है उसके लिए हमारे पूरे वॉलंटियर पूरी टीम उसके लिए तैयार रहती है। जैसे अभी बाहर के अंदर जो फ्लड आया था तो वहाँ भी हमारी पूरी टीम गई थी, बाहर आया था पूरा रिलीफ का सामान लेके, कंबल हो गए, कपड़े हो गए, राशन हो गया, सब लेके हम लोग मुसलमानों की जो गए मुस्लिम हमारे सारे इंसानों की खिदमत के लिए टीम बनी हुई है। इसके अंदर कोई मजहब से कोई किसी का कोई वास्ता नहीं है और सारे लोग इसमें शरीक है। इस टीम के जो 11 फाउंडर मेंबर है उसमें क्रिश्चियन भी है, हिंदू भाई भी है और सब सारे समाज के लोग इसके अंदर, सारे मजहब समाज के लोग इसके अंदर शामिल है और सब मिल के काम करते हैं। यहाँ की जाने माने नौजवान शख्सियत समाज सेवक फहीम भाई हमारे साथ में। फहीम भाई क्या कहना चाहेंगे शहरी की जो दावत होती है यहाँ पर जो रखते हैं ये द फैक्ट एनजीओ वाले जुड़े भाई रखते हैं, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। ये हर साल द फैक्ट की तरफ से शहरी का इंतजाम किया जाता है, ये आम दावत होती है, ये तो हम इनके मतलब चाहने वाले हैं, दोस्त हैं तो आ जाते हैं। बाकी आम दावत होती है मतलब किसी के लिए भी राह चलते हुए जिसको जरूरत है वो यहाँ पे शहरी करके जाते हैं और ये हर साल करते हैं। खाली शहरी नहीं, इसके अलावा ये बहुत सारे सामाजिक काम, जैसे भी लास्ट टाइम जो कोरोना में इन्होंने काम किया यहाँ पे डेली, मेरे हिसाब से ये भी एनजीओ में जुड़े हुए हैं, इनका नाम गुलाम सैयद गुलाम जी है, तो ये सब लोग मेरे हिसाब से डेली जो रात खाना होता था, जो मजदूर लोग जो जिनको खाना नहीं मिला था डेली मेरे हिसाब से 400-500 पैकेट का खाना अपनी तरफ से, मतलब कोई इनको ना गवर्नमेंट सपोर्ट करते थे ना कोई लोकल, मतलब ऐसा कुछ खुद की तरफ से लोगों का जो मिलके यहाँ वहाँ से जमा करके डेली 400-500 लोगों का खाना है, ये एक सिग्नल के भाई डेली ये देते। तो बहुत सारे सामाजिक काम ऐसे करते रहते हैं शहरी, तो एक छोटी सी पहले और भी बहुत सारे काम ये लोग करते रहते हैं। भाई ये सब काम करके खिदमत करके कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है? ये तो
सुकून जो दिल में मिलता है वो तो अलग चीज है, और इससे दूसरे लोग भी देख के सीखते हैं करके कि लोगों के लिए आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए, चाहे कोई भी किसी का काम हो, चाहे एक रिश्ते से पत्थर भी हटाना मैं सामाजिक कार्य समझता हूँ। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि कोई एनजीओ बनाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाए, इंसान की सोच रहना चाहिए कि एक मदद के लिए आगे बढ़े, कोई भी एक जिसको जरूरतमंद है उसको हेल्प करने पहुंच जाए, वो काफी है जिंदगी में। इंसान सबसे बड़ी कमाई है, इंसान हुई है जो इंसान के काम आवे, बस सही है, बहुत अच्छी बात है। क्या आप क्या बोलेंगे भाई, कुछ बोलना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम, नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वाहिद खान है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम में रखते हैं शहरी का, हर साल रखते हैं और माशाल्लाह इससे जो है ना लोगों में एकजुटता भी पैदा होती है और इसका एक सामाजिक मैसेज भी जाता है और यहाँ पे जो गरीब तबका भी है वो भी आके शहरी कर लेता है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा है। हर साल ऑर्गेनाइज करते हैं, ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, बिल्कुल ऐसे होने चाहिए, ये जेटी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप क्या बोलिए भाई? भाई लोग रखते हैं हर साल रखते हैं, भाई मैं भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ मदर का, मदर भाई गब्बर भाई में से बड़े, मदर भाई भी रखते हैं, उनकी एनजीओ का है वो भी रखते हैं, अभी गब्बर भाई भी रखेंगे, लास्ट ससरे में गब्बर भाई रखेंगे। तो मदर भाई को पूरा पूरा सपोर्ट रहता है आपका? पूरा, मैं सब भाई को सपोर्ट करता हूँ। अच्छा, क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ी खुशी होती है भाई लोग इस तरह अच्छा काम करते हैं, बहुत खुशी होती है। भाई हमारे साथ में एक और भाई मौजूद है जी, क्या बोलेंगे महमूद खान साहब, भाई क्या बोलेंगे आप? मैं एक ही बात बोलूंगा, ये शहरी का प्रोग्राम गेट टुगेदर है, सभी एक साथ आ जाते हैं, मिल लेते, हर साल करते हैं हमारे मजर भाई। और द फैक्ट एनजीओ जो है जोगेश्वरी वेस्ट में ना, 3 साल में इतना बड़ा नाम किसी ने नहीं कमाया जो दी फैक्ट एनजीओ ने 3 साल में कमाया, अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात इनकी ये है कि इनकी एनजीओ में ऐसी ताकत है कि 2 लाइन अगर कोई टाइप करके लिख देते ना डिपार्टमेंट में तो वो काम 101% हो जाता है। क्या बात है, डिपार्टमेंट में शासन और प्रशासन में भी इसका असर है, इतना असर है। मैंने देखा हूँ कि इनके 2 लाइन टाइप में मदर वाइफ द फैक्ट के नाम पे जो भी लेटर डाले हैं या जो भी इन्होंने ट्वीट किया या कोई भी सामाजिक मुद्दा उठाया वो 101% काम हुआ है, कमाल होता है। अच्छा, ये इतनी माशाल्लाह रौनक भी बढ़ जाती है और मजा, ये भी एक मजा है अपना। जैसे अभी हमारे शकील भाई अंधेरी में रहते हैं बराबर ना, तो देखो मोहब्बत में ये भी आ गए, तो एक मुलाकात होगी, तो ऐसा गेट टूगेदर हमारे प्रेम में है। शकील भाई MM से है, तो यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग आते हैं, एनसीपी की भी है, हम देख रहे गब्बर भाई सब पार्टी के हैं, ये भाई MM के हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि आपसी भाईचारा, सियासत अलग अपनी जगह पे और ये मोहब्बत अपनी जगह पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि रमजान का जो मुबारक महीना है ये मदर चलाते हैं, उन्होंने मोहब्बत का पैगाम सही रखते हुए दिया है, क्योंकि आज की तारीख में जो देश के अंदर हो रहा है वो बहुत बुरा हालात है, लेकिन वैसे सिचुएशन में एक मोहब्बत का पैगाम देना ये भी शुरुआत, ये भी मतलब हम लोग जो है ये देश को बताना चाहते हैं कि हमारे लोग जो है ये शांति चाहते हैं देश के अंदर, देश में देश की हालत खराब है, देश की क्या हालत खराब है, क्या बोलना चाह रहा है? देखो भाईजान वाली जवान यूज कर रहे हैं, अभी देखो रामनवमी हनुमान जयंती में जो हुआ ये हमारे लोगों का इतना नुकसान हुआ, लेकिन हमने ना अभी तक कानून को हाथ नहीं लिया, हम लोग अंबेडकर के कानून के ऊपर भरोसा रखते हैं, यही है। और ये शहरी के माध्यम से हमें ना ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग जो है ना मोहब्बती लोग हैं, हम लोग लड़ाकू लोग हैं, इंशाल्लाह ताला ये जो प्रोग्राम है ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे और ये एनजीओ को भी इंशाल्लाह ताला इनको भी तरक्की देवे और ये इसी गौर गरीबों का काम करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमने सर मीडिया से बात करने के लिए, कैमरा पर्सन शान पटेल के सर आपका जो राजनीति, जय हिंद जय महाराष्ट्र अल्लाह। मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि मदर भाई जो हर साल के जो प्रोग्राम कराते हैं माशाल्लाह अल्लाह इनको और बरकत दे, और जो प्रोग्राम हमेशा मदर खान और उनकी टीम की तरफ से कराया जाता है इसके अंदर हर एक लोग यहाँ पर शिरकत फरमाते हैं और अच्छे से शहरी करते हैं और शहरी का लुत्फ और मज़ा बड़े शौक से उठाते हैं। ये राहगीर भी आते हैं, चलते फिरते लोग हैं, वो लोग भी करते हैं। आम दावत ऐसा लोगों के लिए कुछ खास दावत का इंतजाम किया नहीं जाता है, आम दावत का इंतजाम है, हर लोग आते हैं, चाहे बड़े हो चाहे बूढ़े हो चाहे बच्चे हो चाहे नौजवान हो, हर लोग आते हैं शिरकत फरमाते हैं और यहाँ पर अच्छे तरीके से बंदोबस्त का इंतजाम और शहरी का मजा लिया जाता है। क्या बात है, क्या बात है।